नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीके टी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज से कुछ दिन पहले ये कार बनाई थी और इसकी चेसी वगैरह सब बनाई थी, लेकिन इसमें रिमोट नहीं लगाया था। तो आज हम रिमोट बनाएंगे एक। तो ये एक DPDT स्विच का रिमोट है जो कि आप SR रोबोटिक्स से खरीद सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, उसकी जो रिमोट की हम बॉडी बनाने के लिए हम MDF बोर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट रहता है, प्लास्टिक के बॉक्स का इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने कट कर लिए MDF बोर्ड के टुकड़े। तो इसकी साइज़ है 12x7.5 और 12x2.5 और 7x2.5। इन सभी की साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिख के, और आपको डिस्प्ले पे भी दिखी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जो गुनिया होती है उससे लगा के और 90 डिग्री पर सेट करना है आपको, एकदम सीधी। यानी 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधा। तो वहाँ पर सेट करके मैं इसको LP होती है जो, उससे चिपका दूंगा। ये वो LP है जिसको हम आँख में डालते हैं फ्रेंड्स, जब अपनी आई साइड वीक हो जाती है, तो उसको ले लेना है आपको। तो ये आपको उससे चिपका देना है MDF बोर्ड को। यहाँ पे आपको कंजूसी नहीं दिखानी, तो आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हम इसे दो भाग में बांट देंगे इस बॉक्स को अभी। तो ये बॉक्स है, बाद में ये रिमोट बन जाएगा। तो मैं 7 सेंटीमीटर की लंबाई लेके और इसको दो पार्ट में बांट दूंगा। एक तो अपना बैटरी बॉक्स हो जाएगा और एक अपना मॉड्यूल के लिए हो जाएगा। दोनों को मैं अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ कि ये हाथ से गिर वगैरह जाए तो ये टूटे नहीं, अलग अलग एक दूसरे से टच ना करें ये। और अच्छा लगता है जब हम पार्टिसिपेट कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने दो डिवाइड कर दिए हैं इसके। तो यहाँ पे मैं इसे भी चिपका लूँगा LP की मदद से। और आपको इसको भी अच्छी तरीके से झंड कर देना है कि बैटरी अगर थोड़ी बहुत हिले तो ये टूटे नहीं। तो ये देखिए, कुछ कुछ रिमोट का सा लुक लेने लग गया। अब इसमें आगे की साइड का भी मैं चिपका दूंगा। तो यहाँ पे जो आगे का हिस्सा है इसको कट कर लेना है, यहाँ से थोड़ा सा होल, जैसे हमने बीच वाले में भी किया है एक होल वायर निकालने के लिए। तो यहाँ भी वायर निकालने के लिए हम एक होल बना देंगे इसमें फ्रेंड्स। तो ये देखिए, और आप इसे फिनिशिंग भी दे सकते हो। ये जो रेती होती है अपनी फाइल, इससे मैं यहाँ पर घिस के थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे देता हूँ चौकोर। बीच वाले में मैंने कोई फिनिशिंग नहीं दी, क्योंकि वो किसी को दिखेगा नहीं, वो अंदर पैक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे भी हम यहाँ पे चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई सी भी बैटरी यूज कर सकते हो, चाहे 9 वोल्टेज की कर लो, चाहे ये कर लो। तो ये करोगे तो ये बेटर रहेंगी, 9 वोल्टेज वाली बीत जाती है। या आप AA सेल भी यूज कर सकते हो इस तरीके का, एक बैटरी होल्डर लगा के, AA बैटरी होल्डर। तो यहाँ पे आप 2 या 3 भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 3 बैटरी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बैटरी काफ़ी अच्छी रहेंगी, लॉन्ग लाइफ चलेंगी। एक बार चार्ज करो 5-6 दिन तक ये चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल है, इसमें बैटरी का ये कनेक्टर है, इसकी जो वायर कनेक्ट करने के लिए आगे की साइड दी हुई है। हमें इसे घुमा लेंगे, क्योंकि अपनी बैटरी है वो पीछे की साइड रखी हुई है। तो मैं सेम इसे निकाल के पहले और इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से फंसा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो अब इसकी जो स्क्रू हैं वो पीछे की साइड आ गए, और अपने वायर हैं वो ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे मॉड्यूल के साथ। अब इनकी जो टर्मिनल हैं दोनों, यानी कनेक्टर के, उस पर मैंने सोल्डिंग कर ली। अब ये अच्छी तरीके से फिट हो गया। अब अपनी तीनों बैटरी को मैं सीरीज में लगा लूँगा, यानी एक बैटरी का दूसरी बैटरी के नेगेटिव में, दूसरी का तीसरे के नेगेटिव में पॉजिटिव, इस तरीके से आपको दिखा भी दूंगा। और आपको ये बहुत ही आसान होते हैं सीरीज के कनेक्शन, तो आप इन्हें सीरीज में जोड़ सकते हो। अब ये लगभग 11 वोल्टेज बन गए, काफ़ी तेज़ रन कराएंगे। वैसे तो 11 हमको देने नहीं चाहिए, क्योंकि मोटर अपनी 6 वोल्टेज की है। तो आप देख सकते हो इसको, जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये दो लास्ट के बचे हुए हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए। अब इनका मैं एक पैक बना लूँगा, इसमें थोड़ा सा रम और नमकीन वगैरह नहीं डाल के पैक, अरे यार वो वाला पैक नहीं, वैसा पैक, बैटरी पैक, ओके। और वैसा पैक मत बनाना, वो ख़तरनाक होता है सेहत के लिए। तो अब इसमें वायर लगा लेता हूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव का वायर मैं जॉइंट कर दूँगा। और जिधर ये छेद से होते हैं ना, ऊपर की साइड आपको छेद दिख रहे होंगे, ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा लूँगा। तो अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया बैटरी पैक। अब यहाँ पे मैं LP की 2-2 बूंद डाल देता हूँ। तो ये कागज़ वाला टेप है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से MDF बोर्ड से चिपक जाएगा। ये मैंने कागज़ वाला इसीलिए लगाया था कि ये LP के साथ MDF बोर्ड पे अच्छी तरीके से चिपक जाए। और अब इसकी जो ओवर वायर है उनको मैं कट करके 2 भागों में बांट देता हूँ, और आपस में जोड़ के सोल्डिंग कर देता हूँ, जिससे कि ये कभी जुदा ना हो एक दूसरे से। अब इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको लिखा भी दिख जाएगा BCC और ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब नेगेटिव होता है, BCC का मतलब पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी रिमोट की डोरी बनाने के लिए ये रेनबो वायर यूज कर रहा हूँ। इसमें से मैंने 4 वायर ले लिए, और यहाँ पे आपको 2 कनेक्टर और दिख रहे होंगे। इन दोनों कनेक्टर में हमको एक एक सेट लगा देना, यानी एक एक पेयर। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इस वाले को, रेड ब्लैक को इधर लगा देता हूँ लेफ्ट हैंड की साइड,
और पिंक और ऑरेंज को मैं दूसरी साइड लगा देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आपको कोई नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखना, मैं उसे आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा कि इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या फंक्शन होता है बिल्कुल। तो ये एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे लग गए अपने। अब फ्रेंड्स ये जो अपना इसे फिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे फिट करने से पहले हम इसकी जो डोरी है ना इसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कनेक्शन चेंज भी करने पड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिधर आपको रिमोट और स्विच, रिमोट और गाड़ी एक डायरेक्शन में रख के और उसके कनेक्शन कर देने, यानी जोन से साइड का आपका स्विच हो उसी साइड की डायरेक्शन में करना है। देखिए इसका इधर और लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, आपको ध्यान से समझना है जैसे मैंने रख रखी है ना ये। और यहाँ पे अभी आपको सोल्डिंग वगैरह नहीं करनी, आपको पहले इसकी टेस्टिंग करनी है, ना ही टेप लगाना, आपको पहले चारों वायर को लगा लेना है। अब देखिए स्विच को दबा के देखना है, तो ये देखिए मोटर उल्टी चल रही है, मैं स्विच को आगे की तरफ कर रहा हूँ और पहिया अपना पीछे की तरफ घूम रहा है, ये देख सकते हो। तो अब इसके जो दोनों वायर हैं इनको आपस में बदलना होगा, इंटरचेंज कर दो इनको, बस आपको कुछ नहीं करना है। ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसी बात का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, क्योंकि मैंने इसमें आपको बारीकी से समझाया है। तो दोनों साइड की मोटर को आपको इसी तरीके से लगा के अब आपको इसे चेक करना है पहले, जब इसका टेप और सोल्डिंग वगैरह जो कुछ करना है वो। तो ये देखिए आगे की करने पे आगे जा रही है, देखो इसको स्विच को दबा देता हूँ तो ये भी आगे की तरफ घूम रहा है पहियो, और देखिए पीछे करने पे पीछे, ये देखिए अब गाड़ी एकदम अच्छी तरीके से चल रही है यहाँ पर। अब इसकी जो ग्लू वगैरह से चिपकाएंगे, टेप वगैरह लगाएंगे वो लगाएंगे, क्योंकि अभी अपनी गाड़ी लेफ्ट राइट चारों तरफ को अच्छी तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट लगा के इस पे सोल्डिंग फ्लक्स होती है जो, और सोल्डिंग कर दूंगा फ्रेंड्स। अब आपको इस पे सोल्डिंग कर लेनी है, नहीं तो ये खुल सकते हैं वायर, क्योंकि झटका लगता है जब हम गाड़ी को तेज़ दौड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अब मैं इसे टेप से चिपका दूंगा दोनों साइड और इसे चेसी पे फिट कर दूंगा। और यहाँ पे जो पीछे की साइड इस पर भी मैं टेप लगा दूंगा, क्योंकि ये खुले नहीं, झटका आने लगे इसे। अब आप देख सकते हो कि ये जो रिमोट के ट्रिगर हैं दोनों, ये लीवर बोलो हैं, तो ये छोटे पड़ रहे हैं स्टिक, तो इसके नीचे मैं एक इस तरीके का लकड़ी फंसा दूंगा। तो यहाँ पे इसे चिपका लूँगा पहले लकड़ी को, जिससे कि ये हिले नहीं, क्योंकि हम लगाएंगे अपनी इसको दबाएंगे जब ऑपरेट करेंगे तो ये हिलेगा, इसको नहीं चिपकाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्लू भर के इसको चिपकाया है, और आपको ग्लू में कंजूसी नहीं करनी। और अब नीचे की साइड भी इस पर ग्लू लगा के जो है इसे भी फिट कर देते हैं अपने MDF बोर्ड के इस बॉक्स में, जो कि रिमोट है अपना, और ये रिचार्जेबल है। इसमें आपको चार्जिंग वगैरह के भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको इनकी मार्किंग करनी है इसको बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पे पेन चल नहीं सकती, तो आपको क्या करना है इस पर कोई भी लिक्विड डालो, चाहे आप मोमी ऑयल डालो, चाहे पेट्रोल रख लो, पानी रख लो एक एक बूंद, और इसको इस तरीके से इस पर रख देना है। तो ये इस पर उल्टा छप जाएगा, तो ये देखिए इसके प्रिंट आ गए। और अब इनको हमको मार्किंग कर लेना है। तो ये दोनों जो प्रिंट आए मैंने दिखाया, जो मैंने मोमी ऑयल से निकाले, इनको आपको बिल्कुल बीच में लेना है। ये जैसे मैंने बीच में लिया है इसी तरीके से आपको बीच में लेना है, और इधर भी मैं मार्किंग कर लूँगा। और इसकी कटिंग में स्क्रू ड्राइवर से कर दूंगा, जो अपना स्क्रू ड्राइवर है उससे काट लिया है, क्योंकि यहाँ पे रेती चल नहीं सकती थी। अब इन्हें थोड़ा घिसके में चौड़ा देता हूँ, क्योंकि ये जो है छोटे हैं अभी, और इसको आपको ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रखना, आपको पहले देख लेना है चला चला के, तो जहाँ ये फिट बैठे वहीं आपको काम रोक देना है। तो यहाँ पे एकदम फिट बैठ गए। अब इसमें चार्जिंग का मॉड्यूल लगाएंगे, जो चार्जिंग जैक है। तो फ्रेंड्स केवल इसमें ये दोनों स्विच के बीच की जगह है, वहाँ पे एक खाली जगह पड़ी हुई है, आप देख सकते हो नीचे की साइड। तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लूँगा और एक LED के लिए, जो अपनी चार्जिंग को इंडिकेट करेगी फ्रेंड्स। अब जो अपना मॉड्यूल, ये LED है, ये रेजिस्टेंस है, और ये डायोड है, इन सभी के हम कनेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके बहुत ही आसान कनेक्शन होते हैं। तो इसमें दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल दिए होते हैं, तो ये आपको एक साइड का जो होता है बीच में लगा होता है उसका कोई काम नहीं होता, तो इसे निकाल देना है, और बाकी के दो आपको यूज में लेने। इसमें जो बीच वाला ही पिन से कनेक्ट होता है एक टर्मिनल, वो अपनी पॉजिटिव होता है, और LED की जो बड़ी वाली लेग होती है वो भी पॉजिटिव होती है। तो ये इनके कनेक्शन है, मैंने बता दिया LED की पॉजिटिव आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, तो LED के पॉजिटिव को मैं जो है नेगेटिव को मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ, चार्जिंग जैक के और LED के, आपको ध्यान से समझना है। उसको मैंने एक पास सोल्डिंग कर दिया, और यहाँ पे चार LED के पॉजिटिव में एक 1 kΩ की, ये 1 kΩ की रेजिस्टेंस है, ब्राउन ब्लैक रेड इसका कलर कोड है फ्रेंड्स, ब्राउन ब्लैक रेड, आप दोबारा सुन लो। इसे मैं यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ,
तो ये अपनी बहुत ही आसान कनेक्शन हो चुके हैं एलईडी के और चार्जिंग जैक के। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक डायोड लगा देता हूँ। आप यहाँ पे 4007 का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2207 का लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी डायोड यूज कर सकते हो, 4007 के दो लगाने होंगे बस आपको। तो जो डायोड का ब्लैक साइड है वो मैंने अपने चार्जिंग के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो ओवर वायर है इसे मैं कट कर लूँगा, क्योंकि इसमें स्पेस की कमी है। अब ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए, अब इन्हें हम चार्जिंग पे जैक में लगा देते हैं। तो जो नेगेटिव है अपनी बैटरी का वो मैंने डायरेक्ट नेगेटिव पे सोल्ड कर दूंगा, और जो पॉजिटिव है अपनी बैटरी का उसे मैं ये जो डायोड है इसके ब्राउन साइड होती है जो पॉजिटिव, वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो इसके कनेक्शन कितने ईजी हैं, समझ सकते हो, और मैंने अच्छी तरीके से समझा भी दिए। अब इन्हें यहाँ पे फिक्स करके और आपको चार्जिंग चला के दिखा दूँ, तो इसकी चार्जिंग चल गई, ग्रीन LED चल गई। अब इसकी जो ऊपर की साइड है अपने रिमोट की, इसे चिपका देता हूँ, और ये लगभग बन के कम्प्लीट है फ्रेंड्स। इसके सारे कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं। अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से LP से सेट कर देता हूँ यहाँ पे, जिसे ये खुले नहीं, और काम एकदम हमने अच्छा करके चलाया, तो हर बहुत जल्दी से खोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जिस इसकी फिनिशिंग कर देंगे, ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है दिक्कत काटने में या चिपकाने में, तो इसे मैं घिस के जो रेग माल है उसे चिपकना कर दूंगा, एकदम फ्रेश बना दूंगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसकी फिनिशिंग दे दी। अब ये अपनी गाड़ी है जो बिल्कुल रेडी है रोड पे दौड़ने के लिए, बस आपको ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, तो वो मेरे पास है। तो आप देख सकते हो टेबल पे मैं अभी चला के दिखा रहा हूँ, लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव कर रही है। अब इसे मैं रनवे पे चलाऊंगा, तो ये मेरे कमरे के अंदर रनवे है, एक हाईवे उस पर दौड़ रही है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये चारों तरफ जा रही है, लेफ्ट राइट रिवर्स फॉरवर्ड हो रही है, ये देख सकते हो आप रिमोट से, आगे हो जा पीछे हो जा, तो ये सही काम कर रही है एकदम अच्छी तरीके से। इसका रिमोट है, आप बना सकते हो, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके व्हील चेंज कर दिए, अब इसमें मैंने येलो वाले व्हील निकाल दिए, ये रेड वाले हैं, तो ये थोड़े थिक थे, पतले थे, तो ये स्लिप कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे येलो लगा लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी गाड़ी बनाओ तो चौड़े वाले पहियो ले लेना, ये जो येलो कलर के पहियो हैं ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, लेकिन आपको यही खरीदने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जब टर्न लेगी तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है गाड़ी, लेफ्ट राइट बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।